অসমৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটৰিয়াক আনুষ্ঠানিক বিদায়, বৰজা বিমানবন্দৰত গাৰ্ড অফ অনাৰে বিদায় ৰাজ্যপাল গৰাকীক। অসমৰ পৰা বিদায় লৈ পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব গোলাপচন্দ কাটৰিয়াই। অসমৰ মানুহে মোক যথেষ্ট মৰম দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনত অসমত শান্তি শৃংখলা অটুট আছে। বিদায় পৰত সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য বিদায়ী ৰাজ্যপাল গৰাকীক। देखो, मुझे आसाम में लगभग 17 महीने रहने का मौका मिला। आसाम की सरकार का, आसाम की जनता का, आसाम के जनप्रतिनिधियों का, पक्ष का और विपक्ष का, सबका बहुत प्यार मिला। और लगभग मैं 35 ही जिलों में रिव्यू मीटिंग करके आया हूँ। नीचे के प्रशासन को भी मैंने उनके काम को समझा भी, और जो मेरे सुझाव देने वो भी मैंने दिए हैं। मेरा पहला रिव्यू और सेकेंड रिव्यू में भी काफ़ी कुछ सुधार का हुआ है। कई जिलों ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कायम की है कि वो ऑल इंडिया रैंक में भी हमारे कुछ ज़िले जो है ना, कुछ स्कीमों में टच करने लगे हैं। दूसरा ये कि यहाँ का जो अमन चैन और शांति स्थापित हुई है, उसके कारण से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आ रही है और बाकी सारे डेवलपमेंट भी आ रहे हैं। मुझे बहुत संतोष है मन में कि जो काम मुझे दिया उसको मैंने अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया। ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজভৱনলৈ গৈ বিদায় সম্ভাষণ জনায় বিদায়ী ৰাজ্যপাল গৰাকী। आपको